हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लाइनअप मोड में बैकग्राउंड को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेनू पर क्लिक करेंगे और सिस्टम सेटिंग में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास अपीयरेंस नाम से एक ऑप्शन होगा और यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, थीम, इफेक्ट, बैकग्राउंड और फॉन्ट सिलेक्शन। इसके अलावा प्रेफरेंस नाम से भी एक ऑप्शन आपके पास होगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड जो है हमें किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। तो लिनक्स मिंट के लिए इनबिल्ट जो हमारे पास बैकग्राउंड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पर जिस भी बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट करना है उस पर टैप कर दीजिए तो वो आपका बैकग्राउंड में इमेज जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लाइन्स मिंट के जो भी ऑप्शंस हैं वो ये छह ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप तारा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो इनबिल्ट इमेजेस जो हैं वो आपके पास बैकग्राउंड इमेजेस बहुत सारी गिवन हैं। तो हम लोग देख लेते हैं किस तरह से आपको सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर हम लोग ये जो इमेजेस पे टैप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टैप किया तो यहाँ पे देखिए हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। इस तरह से आप अपने अलाइनमेंट में बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टेसा नाम से जो इसका वर्जन है अलाइनमेंट का, इसकी भी बैकग्राउंड इमेजेस अवेलेबल हैं। टीना वर्जन में भी आपके पास बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है और वो आपके बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा ये TCR नाम से जो इसका वर्जन है उसकी भी इनबिल्ट इमेजेस इस तरह से बैकग्राउंड इमेजेस गिवन है। अगर आपको बैकग्राउंड इमेजेस इनमें से कोई पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे पिक्चर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी आपके डेस्कटॉप में जो वॉलपेपर है या पिक्चर है उसको बैकग्राउंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।